हाय गाइस, मैं हूं संदीप और आप सभी का लेट्स लर्न इंग्लिश विद संदीप सागर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पे स्पोकन इंग्लिश सीरीज चल रही है जो कि 40 डेज की है और आज डे 11 है। गाइस, डे 9 में हमने सीखा प्रेजेंट से रिलेटेड टेंसेस के बारे में, डे 10 में हमने सीखा पास्ट से रिलेटेड टेंसेस के बारे में, आज हम जानेंगे फ्यूचर से रिलेटेड टेंसेस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हर वीडियोस की और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करें। गाइस, फ्यूचर इनडिफिनिट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और कैसा अनिश्चित, तो समय से अनिश्चित, है ना, मतलब एग्जैक्ट टाइम ना पता चले। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, देखिए, ऐसे वाक्य जिससे पता चले कि कोई काम भविष्य में सामान्य रूप से होगा। फॉर एग्जाम्पल, वह जाएगा, मैं आऊँगा, वह खेलेगा, मैं पढ़ूंगा, है ना। एग्जाम्पल मैंने दो चार लिखा है, यहाँ पर देखिए, वह कल आएगा, ये तो पता है, लेकिन वह कल कितने बजे आएगा, समय का कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए हम इसको फ्यूचर इनडिफिनिट कहते हैं। इसकी पहचान होता है गा गे गी, अगर लास्ट में लगा रहे तो हम फ्यूचर इनडिफिनिट समझते हैं, है ना। इसको ट्रांसलेट करते हैं। इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने सेल नहीं लिखा है, क्योंकि सेल का प्रयोग अब ना के बराबर होता है, सेल का प्रयोग अब हम नहीं करते हैं, तो विल मैंने लिखा है। विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसको ट्रांसलेट करते हैं, He will come tomorrow. He will come tomorrow. वह कल आएगा। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है गाइस, मैं नहीं खाऊंगा। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा है गाइस, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए आप बनाते हैं मैं नहीं खाऊंगा, है ना, आई विल नॉट ईट, आई विल नॉट ईट। क्या तुम खेलोगे, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए भी मैंने स्ट्रक्चर लिखा है गाइस, बिल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले। तुम क्या करोगे, ये हमारा डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस है, इसके लिए भी मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड आता है, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या के लिए वॉट, वॉट विल यू डू, वॉट विल यू डू, है ना, तुम क्या करोगे। मैं पढ़ूंगा, ये तो सिंपल है, आप बोलते हैं आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। वह आज यहां आएगा, इसके लिए ट्रांसलेट करते हैं, ही विल कम हियर, ही विल कम हियर टूडे, तो ये था गाइस फ्यूचर इनडिफिनिट, काफी सिंपल था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस को समझते हैं गाइस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, ऐसे वाक्य जिससे पता चले कि कोई काम भविष्य में किसी समय जारी रहेगा। टाइम, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जाएगा कि कब तक जारी रहेगा, लेकिन किसी समय जारी रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बात क्लियर हो जाएगी। मैं पढ़ता रहूँगा, है ना, पढ़ता रहूँगा किसी समय, लेकिन टाइम पता नहीं। या फिर इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, मैं पढ़ रहा होऊंगा, है ना। दोनों की अगर आप इंग्लिश की बात करें तो सेम होगी, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको।
आई विल बी रीडिंग, आई विल बी रीडिंग, सब्जेक्ट आई, उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म रीडिंग। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लिखा है। तुम खेलते रहोगे, है ना, इसके लिए आप सिंपली ट्रांसलेट करते हैं यू विल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग, वह रोती नहीं रहेगी। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है गाइस, इसके लिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पर, पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, वह रोती नहीं रहेगी। सी विल नॉट बी वीपिंग, सी विल नॉट बी वीपिंग, वह रोती नहीं रहेगी। क्या आप जा रहे होंगे, ये हमारा क्या है गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए भी मैंने यहाँ स्ट्रक्चर लिख दिया है, पहले विल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले विल आएगा गाइस, विल यू, विल यू बी Going, will you be going? क्या आप जा रहे होंगे, आप कहाँ जा रहे होंगे, है ना, ये डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस। इसके लिए आप बोलते हैं पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप कहाँ जा रहे होंगे, सबसे पहले कहाँ के लिए बोलते हैं वेयर, वेयर Will you be going? Where will you be going? आप कहाँ जा रहे होंगे। हमारा अगला सेंटेंस है क्या वह बैठा रहेगा। ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है गाइस, आप इसको इसी स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। Will he be sitting? Will he be sitting? क्या वह बैठा रहेगा। तो ये था गाइस फ्यूचर कंटिन्यूअस, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए गाइस फ्यूचर परफेक्ट को समझते हैं। गाइस फ्यूचर परफेक्ट, इसके लिए मैंने लिखा है ऐसे वाक्य जिससे पता चले कि कोई काम भविष्य में किसी निर्धारित समय समाप्त हो चुका रहेगा, मतलब निर्धारित समय पर समाप्त हो चुका रहेगा, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, पहला एग्जाम्पल देखिए, आप अंग्रेजी सीख चुकेंगे, मतलब उस टाइम तक आप अंग्रेजी सीख चुकेंगे, है ना, ये पूर्ण निर्धारित समय है गाइस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं, आपके लिए हो जाएगा यू, यू विल हैव लर्नड English, you will have learnt English, आप अंग्रेजी सीख चुकेंगे। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है वह गाना गा चुकेगी, है ना, उस टाइम तक, ये निर्धारित समय होता है गाइस। इसके लिए आप बनाते हैं she will have sung
sung a song. She will have sung a song. Sing का थर्ड फॉर्म संग होता है गाइस. क्या आप अंग्रेजी सीख चुकेंगे? ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इसके लिए मैंने यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है. पहले विल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहला विल. विल यू, विल यू हैव learned English. Will you have learned English? क्या आप अंग्रेजी सीख चुकेंगे? हमारा अगला example है, वह गाना नहीं गा चुकेगी. ये हमारा negative sentence है. सबसे पहले subject आता है, उसके बाद will, उसके बाद not. पहले नॉट आएगा गाइस, उसके बाद हैव आएगा. ये बात ध्यान में रखिएगा. कई लोग यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, पहले हैव लिख देते हैं उसके बाद नॉट लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा. पहले विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. इसको ट्रांसलेट करते हैं. शी विल नॉट हैव sung a song. She will not have sung a song. वह क्या कर चुका रहेगा? ये हमारा WH वाला sentence है. पहले आप WH word लिखते हैं, उसके बाद will लिखेंगे, फिर subject, फिर have, फिर verb की third form, फिर object. इसको translate करते हैं. क्या, क्या के लिए आप लिखते हैं what. What will he have done? What will he have done? वह क्या कर चुका रहेगा? कई लोग confused हो जाते हैं guys कि he के साथ तो has लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर he रहे, she रहे, it रहे, you रहे, I रहे, be रहे, दे रहे, सब के साथ हैव का प्रयोग होगा. विल हैव का प्रयोग आप सबके साथ करते हैं, इसीलिए ये इजी होता है. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चलिए गाइस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझते हैं. गाइस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, हालांकि इस टेंस का प्रयोग स्पोकन में बहुत ही रेयर होता है, लेकिन सारा टेंस सीख ही चुके हैं तो इसे भी सीख लेते हैं. तो इसके लिए मैंने लिखा है, ऐसे वाक्य जिससे पता चले कि कोई काम भविष्य में किसी समय से शुरू होकर जारी रहेगा, और इसमें टाइम दिया रहेगा गाइस, है ना, किसी समय से शुरू होकर जारी रहेगा. तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बात क्लियर होगी. मैं 2021 से पढ़ाता रहूँगा, मतलब काम शुरू होगा 2021 में और शुरू होने के बाद जारी रहेगा, है ना. जैसा कि मैंने आपको बताया था गाइस कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम लगाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना सकते हैं, उसी तरह आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी टाइम लगाकर आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बना सकते हैं. आइए इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम. मैंने पिछले दो वीडियो में बता चुका हूँ गाइस कि कहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पर फॉर का, लेकिन थोड़ा अभी भी बता देता हूँ. प्रॉपर नाउन के साथ आप सिंस का प्रयोग करते हैं और कॉमन नाउन के साथ आप फॉर का प्रयोग करते हैं. प्रॉपर नाउन का मतलब जब टाइम दिया रहे, जैसे 2012 से 2014 से 2015 से, तो आप सिंस का प्रयोग करोगे, और टाइम ना दिया रहे, 2 साल से, 10 दिन से, तब आप फॉर का प्रयोग करते हैं. इसे ट्रांसलेट करते हैं. मैं 2021 से पढ़ाता रहूँगा. आई विल हैव बीन
टीचिंग सिंस, क्योंकि टाइम दिया हुआ है, समय, यहां पर ईयर का नाम दिया हुआ है गाइस, है ना। अगर यहां पर दो साल से बोलता है तो यहां पर फोर टू ईयर्स हो जाता। देखिए सब्जेक्ट हमारा, उसके बाद विल, फिर हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, टीच का टीचिंग हो गया, सिंस, फिर टाइम। हमारा अगला सेंटेंस है, आप 10 दिन से यह करते रहोगे। यहाँ पर 10 दिन बोला जा रहा है गाइस, बनाइए इसको। यू विल हैव बीन डूइंग इट फॉर 10 days, है ना। यू विल हैव बीन डूइंग इट फॉर 10 days, आप 10 दिन से यह करते रहोगे। मैं 10 दिन से यह नहीं करता रहूंगा, यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस है गाइस। इसके लिए आप स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। इसे ट्रांसलेट करते हैं, मैं के लिए आई आ जाता है, आई विल नॉट हैव बीन डूइंग इट फॉर 10 days. I will not have been doing it for 10 days. मैं 10 दिन से यह नहीं करता रहूँगा। क्या आप 5 साल से पढ़ाते रहोगे? यह हमारा इंट्रोगेटिव है गाइस। इसके लिए आप विल का प्रयोग पहले करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर have been प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। इसके लिए आप बोलते हैं, Will you have been teaching for 5 years? क्या आप 5 साल से पढ़ाते रहोगे? Will you have been teaching for 5 years? यहाँ पर भी साल का नाम नहीं दिया हुआ था, इसीलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग नहीं हुआ। आप 5 साल से क्यों पढ़ाते रहोगे? यह हमारा WH वाला सेंटेंस है। इसके लिए आप स्ट्रक्चर लिखते हैं, WH वर्ड पहले आता है, फिर will, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर have been, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। इसको ट्रांसलेट करते हैं गाइस, क्यों के लिए वाई आता है, वाई, उसके बाद विल, वाई विल यू हैव बीन, वाई विल यू हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years? Why will you have been teaching for 5 years? आप 5 साल से क्यों पढ़ाते रहोगे? तो ये था गाइस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप गाइस आपको टेंसेस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मैं आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊंगा, प्रेजेंट से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस, पास्ट से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस और फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस, जिन्हें देखकर आप बहुत आसानी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। तो वीडियो के कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक जरूर करें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।